It's showtime. दोस्तों वेटरन ऑक्शनियर ह्यू एनमेस आप जानते ही हैं आईपीएल ऑक्शन के पहले दिन में वे सेंसलेस होके गिर गए थे। जी हाँ दोस्तों, और हाइपोटेंशन के लिए ये हुआ था। अगर अचानक किसी की ब्लड प्रेशर घट जाता है तो वे बेहोश होकर गिर जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो वे अब कैसे है, आगे का ऑक्शन में क्या उन्हें देखा नहीं जाएगा, क्योंकि चारू शर्मा जी तो रिप्लेस कर चुके हैं उन्हें, या फिर नेक्स्ट आईपीएल में उनको देखा जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट उनका तोड़ दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ह्यू एडिसमस पिछले कुछ साल से आईपीएल की जो ऑक्शनियर है उनका काम कर रहे हैं। वे यूके के निवासी है, यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है, और वे दुनिया भर बहुत जगह पर ऑक्शन करते हुए दिखा गया उन्हें। दोस्तों आईपीएल के लिए वे परफेक्ट चॉइस थे, लेकिन दोस्तों मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कभी कभार आ ही सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए क्या उनको एक शो से परमानेंटली निकाल देना, ये क्या ठीक रहेगा? दोस्तों बीसीसीआई इनमें कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि वो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और आज के लिए जो ऑक्शन था, यानी पहला दिन का जो ऑक्शन था, वो वे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनका जो लेवल है, बीपी लेवल है, वो नॉर्मलाइज नहीं होगा, फिर से अप डाउन करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और बाद में इसको लेकर बहुत इशू हो सकता है। तो बीसीसीआई रिस्क नहीं लेकर चारू शर्मा जी जो कि बैकअप थे उनको भेज दिया है ऑक्शन करने के लिए। और बीसीसीआई का कहना है ह्यूमैनिटी और मेडिकल ग्राउंड में बहुत कुछ अंतर होता है। मेडिकल ग्राउंड में ये तो देखा जा रहा है कि वो नहीं सक रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में हम भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करके वो जब ठीक होंगे तब वे जरूर ऑक्शन करेंगे। तो ह्यू एडिसमस को अभी छोड़ा नहीं जा रहा है, वे नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे का ऑक्शन करने वाले हैं, ऐसे बीसीसीआई की ओर से बताया गया है। और ह्यू एडिसमस को ये ऑक्शन दो दिन का ऑक्शन करने के लिए 50 लाख रुपीस मिलता है, इस बार भी उन्हें 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। और जहां तक पता चला है एक दिन के रेस्ट लेने से ही वे ठीक हो जाएंगे, नेक्स्ट दिन के लिए रेडी हो जाएंगे, और उनको एक्सटर्नल कोई चोट नहीं पहुंचा है, तो वे जल्दी बहुत रिकवर कर रहे हैं। बहुत से अफवाह फैलाया जा रहा है कि उनको निकल दिया गया है या फिर वे अभी नहीं रहे, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, वो अभी सुस्त है और जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उनको वापस से आईपीएल में कमेंट्री करना चाहिए, या फिर बीसीसीआई को अगले सीजन में या फिर नेक्स्ट डे के लिए नया ऑक्शनियर देखना चाहिए? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।